हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर अमित गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने बॉडी के एक्ने क्लियर कर सकते हैं घर बैठे। कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, मैं आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करिए। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जिम जाते हैं, स्टेरॉइड साइकिल लेते हैं या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, या किसी को हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, या किसी को पीसीओडी हो रहा होता है, किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। सबको हो सकते हैं, मेल को, फीमेल को, किसी को भी हो सकते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी की एज में खासकर जनरली लोगों को होते हैं और कई कई को तो आफ्टर 30s भी एक्ने होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में, स्पेशली वीडियो है बॉडी एक्ने के ऊपर, तो अगर आपकी बॉडी में बैक में, फ्रंट में कहीं भी एक्ने हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, देखिए ये जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, एक्ने के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो जनरली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में सुपरविजन में ही लेना चाहिए। बट ये जो आज आपको बता रहा हूँ मेडिसिन, वो बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट अ मेडिसिन। मैं आपको मल्टीविटामिन थेरेपीज बता रहा हूँ जो विदाउट मेडिसिन आपको, आप इसको क्लियर कर सकते हैं घर बैठ के। तो आपको वैसे जनरली आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं तो डॉक्टर की निगरानी में ही कीजिएगा, और ऐसे कुछ भी मत लीजिएगा, कोई मेडिसिन मत लीजिएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ मेडिसिन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मल्टीविटामिन साइक्लिकल थेरेपी, तो ये टोटली सेफ है, आप घर पे खुद भी अकेले ले सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा। मुझे फोटो भेजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा कि साथ में कुछ ऐड ऑन करना है तो ठीक है। तो गाइज ये है स्किन फैक्ट का एक्ने का बॉडी एक्ने किट। ओके, तो इसके अंदर जो भी मेडिसिन है, तो साइक्लिकल थेरेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिकल थेरेपी होती क्या है, एक साथ सारे मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए, मैं साइक्लिकल है, किसी दिन कोई खाते हैं, किसी दिन कोई खाते हैं। तो जब बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, किस दिन मंडे क्या खाना है, ट्यूजडे क्या खाना है, सब कुछ है। और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, आपके बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल को डिक्लाइन करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके ऑक्सीडेशन लेवल को कम करते हैं, जितना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी के अंदर वो सबको क्लियर आउट करते हैं, और वो आपके हेल्दी स्किन को, हेयर को और नेल्स को भी हेल्दी करते हैं। तो एक्ने होते क्यों हैं, तो जितने भी हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं या आपको किसी भी, जनरली प्यूबर्टी के समय जब हमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बॉडी के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, फीमेल में एस्ट्रोजन का, मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इसके कारण सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव होती है तो वो सीबम को प्रोड्यूस करती है, उसके कारण जब एक्सेस सीबम प्रोड्यूस होता है तो हमारे जो स्किन की पोर है वो क्लॉग हो जाते हैं, उसके अंदर पी एक्ने बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो वो एक्ने कॉज हो जाते हैं। तो किसी को ज्यादा हो रहा है सीबम प्रोड्यूस, वो जल्दी ज्यादा एक्ने हो जाते हैं, और अगर वो नोडुलर सिस्टिक बड़े बड़े एक्ने कॉज कर रहा है तो वो गड्ढे भी छोड़ के जा सकता है, स्कारिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए फिर और बड़ा ट्रीटमेंट चलता है, ये तो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको घर में लेके फॉलो कर सकते हो। तो इसके अंदर हर चीज है, जनरली आपको जो एक्सेसिव सीबम हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ट्राइकोक्रो, अश्वगंधा है, इसमें आपको मोरिंगा लीव भी मिलेगा, इसके अंदर मेलाटोनिन भी है जो रात में आपको खाना है, जो कि मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन बेसिकली, तो आपके वो कोर्टिसोल लेवल को भी डिक्लाइन करता है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको भी कम कर देगा, और अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण अगर हो रहा है या आपके मतलब बहुत से रीज़न जो होते हैं उसको भी, मतलब एक अकेला इन्वायरमेंटल नहीं है, पॉल्यूशन भी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस है, आप काम का स्ट्रेस है, सो नहीं पा रहे हो, बहुत से रीज़न होते हैं। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसके कारण भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो उसको भी कम करेगा, और आपकी बैड डाइटरी प्रैक्टिस, गंदा खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो भी अगर आपको कुछ भी इसके कारण दिक्कत होती है। देखो जंक फूड खाने का रिलेशन क्या है, जब आप जंक फूड खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल से ग्रो किया जाता है, या फिर जैसे सोयाबीन की बात करो तो उसको अंदर हाई ईस्ट्रोजन पाया जाता है, तो ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, जब आप सोयाबीन ज़्यादा खाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो वो भी आपके एंड्रोजन को हाइपर एक्टिव करता है, और बेसिकली आपके सीबम ग्लैंड को हाइपर एक्टिव करता है और सीबम प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, या आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी चीज़ आप खा रहे हो जिसके कारण आपके हार्मोन इंबैलेंस हो रहे हैं तो वो आपको एक्ने कॉज करेगा। तो आप जब उसको लेंगे तो ये पूरी आपकी बॉडी के बॉडी को बैलेंस करेगा, न्यू उसको जो भी दिक्कत है इसको खत्म करेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक अनक्लॉग, ये एक 360 बॉडी एक्ने स्प्रे है, इसको आपको स्प्रे करना है, तो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड 2% है और बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट भी बहुत सारे, तो ये आपके जो एक्ने हैं वहाँ पे जो बैक में एक्ने आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको ये सैलिसिलिक एसिड इज अ बीट हाइड्रोक्सी एसिड, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और वहाँ पे जो उसकी जो डेड लेयर है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा, तो ओवरऑल काम करेगा। तो ये आपको खाने के लिए है, तो इट्स अ मल्टीविटामिन थेरेपी, आप इसको नॉर्मली घर पे ले सकते हैं, इसलिए आपको कोई डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है।
सब मल्टीविटामिन सब फूड सप्लीमेंट, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अभी इस वीडियो में कोई भी मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो इथिकल नहीं होगा। कोई भी मेडिसिन शेड्यूल एज ड्रग बताना है, कोई भी मेडिसिन बताना वीडियो में, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो मैं आपकी कंडीशन देखिए आपको बताऊँगा कि क्या खाना है साथ में। बट ये आप आग बंद करके इसको फॉलो कर सकते हो बिकॉज इट इज सेफ और आपको अच्छा हेल्प करेगा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, www.lesscoming.com जाके मिल जाएगा। ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ इसलिए मोटिव था कि बहुत से लोग परेशान होते हैं बॉडी एक्ने को लेके, उनको पता ही नहीं होता क्या करें क्या नहीं करें। तो इट्स अ वेरी गुड किट स्पेशली फॉर बॉडी एक्ने, और साथ में स्प्रे है, ये सब आपको लेस्कोमिंग में मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वो ले लीजिएगा। साथ में पैरोबार सोप भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो उसको नहाते समय 5 मिनट के लगा करके पैरोबार सोप को, वो आप उससे भी आपके बेंजोल परोक्साइड होता है उसके अंदर, तो आप यूज़ करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा बॉडी एक्ने को खत्म करने में। इसके अलावा मैंने आपको बहुत कुछ बता ही दिया, ये पोर्स को अनक्लॉक कर देगा, अगर ब्राउन स्पॉट वो भी कम करेगा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है वो आपके सेल्स में जो डेड लेयर है उसको भी रिमूव करेगा, तो आपके जितने स्पॉट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। और ये आपको कम से कम 2 से 3 महीने फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो कीजिए, और ताकि अच्छी अच्छी बॉडी आपकी सुंदर बॉडी और ज़्यादा सुंदर दिखे। और हेल्दी खाइए, अच्छा पीजिए, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपकी बॉडी का डॉक्स जितने भी डॉक्स हो सके जितने डॉक्सिन वो रिमूव हो सके, कि जो हम गंदा खाना खाते हैं वो टॉक्सिन जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेट के अंदर पड़ा रहता है। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आप अगर नॉनवेज लेते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो जब वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो इंटेस्टाइन में जाके पड़ा रहता है, वो सड़ता रहता है। तो जब वो सड़ता है तो टॉक्सिन जो जनरेट होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेन में आके स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण आपके लिम्फेटिक जो लोड है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी आपके टॉक्सिन्स का लोड बढ़ता है, तो वो भी आपको एक्ने कॉज करने में मतलब एक फैक्टर हो सकता है। तो गाइस वेट क्या करो, फटाफट जाओ lesscoming.com में, इसके जाके परचेस कर लो, इसको लेना चालू करो, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके आपका वेट करूँगा इंस्टाग्राम पर। बाय।